गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन पब्लिक अपॉइंटमेंट्स, जो पंजाब के अंदर कॉलेज कैडर की असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकली है, और उसमें मैं जो ये वीडियो हिंदी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड बना रहा हूँ। इसके अलावा इंग्लिश, पंजाबी, मैथ, लाइब्रेरियन, ये सभी पोस्टें निकली हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं उनकी भी बनाऊँ तो कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो। देखिए कैटेगरी वाइज टोटल जो है इनकी जो हिंदी की 30 पोस्टें हैं, और सबसे ज़्यादा इंग्लिश में है 154 पोस्टें। और जनरल में देखिए हिंदी में जनरल में है 8 पोस्टें, EWS जनरल के 2 हैं, फीमेल जनरल है 3, फीमेल EWS जनरल है 1, शेड्यूल कास्ट है 4 पोस्टें। और इसमें आप ये ध्यान रखिए, जिस इसमें SC BC जो होगा वो पंजाब के रहेगा, ठीक है। दूसरे स्टेट का, अदर स्टेट का जो है वो जनरल में ही काउंट होगा। शेड्यूल कास्ट एक्स सर्विसमैन की 1 है, BC की 2, BC फीमेल फीमेल की 1 है, एक्स सर्विसमैन BC कोई पोस्ट नहीं, एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन फीमेल की है 2 पोस्टें, हैंडीकैप की 1 है, स्पोर्ट्समैन की कोई पोस्ट नहीं, SC में स्पोर्ट्समैन की नहीं है, फीमेल में 1 है। टोटल जो है हमारी टोटल जो पोस्टें हैं वो 30 हैं, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की 8 नवंबर 2021 है, अभी लिंक ओपन नहीं हुआ है, ठीक है, 8 नवंबर 2021 5 बजे तक। और इस साइट पर जाके आप, ठीक है, इस साइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो, educationrecruitmentboard.com। उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, जो UGC क्वालिफिकेशन उसी अकॉर्डिंग है। बस इसमें जो मेन है, एक तो क्या है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद 55 मार्क्स जो है आपके होने चाहिए MA में, मास्टर डिग्री में, ठीक है। और उसके बाद आपका जो मेन है ना इसमें, ये बी पॉइंट है, जो अदर स्टेट से हैं उनके लिए जो पास है, जो 10th में पंजाबी 1 सब्जेक्ट कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए, और इसके अलावा और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जाम इन पंजाबी लैंग्वेज में। इसके अलावा 10th में अगर आपके पास पंजाबी नहीं है, इसके अलावा कोई और इक्विवेलेंट पंजाबी लैंग्वेज लैंग्वेज से संबंधित कोई एग्जाम जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो टाइम टू टाइम इन्होंने दे रखा है, प्रोवाइड अंडर क्लोजर 17 ऑफ पंजाब सिविल सर्विस जनरल और कॉमन कंडीशन ऑफ सर्विस रूल 1994। इसमें पंजाबी विभाग है पटियाला यूनिवर्सिटी के अंदर, वो भी एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है और वो भी इसमें चल जाएगा, ठीक है। और या 10th में आपके पास होनी चाहिए, वही बच्चा इसको फिल कर सकता है। इसके अलावा आपके पास नेट होना चाहिए या स्टेट सेलेक्ट या सेट होना चाहिए, इनमें से एक कोई भी आपके पास कंडीशन होनी चाहिए। और उसके अलावा किसी का PhD है तो वो एग्जाम्प्ट है 2019-2009 के रूल्स के अकॉर्डिंग, नेट सेलेक्ट और सेट के अंदर। और इसके अलावा तो सेम ही रहती है कि सिलेक्शन मोड पे देख लीजिए, इसमें क्या रहेगा, जो सिलेक्शन मोड है इनका, द रिक्रूटमेंट विल बी मेड प्योरली बेसिस ऑफ स्कोर अचीव इन योर रिटन टेस्ट। जो इनका रिटन टेस्ट होगा उसमें आपका जो स्कोर है उस पर मेनली रहेगा, और उसके बाद अगर आप मेरिट में आते हो तो डिपार्टमेंट आपको कॉल लेटर जो है सेंड करेगा। उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी, एक्सपीरियंस जो इंटरव्यू का, तो इसमें इन्होंने कुछ ऐसा कहा नहीं है, सिर्फ मेरिट बेस पे रहेगा, एग्जाम बेस पे। इसके अलावा आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। पे स्केल तो वही रहता है, जो रहता ही है इनका, एज लिमिट है 18 से 37 साल, 1 जनवरी 2022 तक होना चाहिए, ठीक है। उसके 5 साल का जो रिलैक्सेशन है शेड्यूल कास्ट को, पंजाब के होने चाहिए। एम्प्लॉयज़ के लिए 45 है, वुमेन जो डिवोर्सी है विडोज़ के लिए 42 है, PW जो है क्या उसके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है, इस तरह से इसमें ये रहेगा। और जो गेस्ट टीचर फैकल्टी कॉन्ट्रैक्ट टीचर है उनके लिए 3 साल का रहता है। और फीस देख लीजिए, तो मेन है SC की फीस जो है SC ST पंजाब ओनली सिर्फ 750 रुपये, एक्स सर्विसमैन पंजाब स्टेट ओनली 500 रुपये, जो EWS और जो है हैंडीकैप PWD और इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है उनके भी हैं 500 रुपये, और ऑल अदर कैटेगरी जनरल स्पोर्ट पर्सन पंजाब एंड वर्ल्ड फ्रीडम फाइटर पंजाब इनकी है 1500 रुपये, जो जनरल की है वो 1500 रुपये, EWS की है 500 रुपये, एक्स सर्विसमैन की है 500 रुपये, और SC ST की 750 रुपये। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन वही रहते हैं कि आप अपने पास जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे उससे पहले कि आपने पूरी डिटेल पढ़ लेनी है, और जो भी उसके बाद रहेगा आपका ऑनलाइन प्रिंट रहेगा वो उसकी कॉपी आपने अपने पास रखनी है, कि बाद में आपकी जरूरत पड़ने पर आपके पास होनी चाहिए वो। उसके अलावा बस यही है इसमें मेन, जो स्टेट ऑफ इंडिया और नेपाल भर सकते हैं, कोई भी उसका स्टेट का भर सकता है, पर वो जनरल में ही भरेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट की, लगभग सभी सब्जेक्ट का जो है ना जो क्वालिफिकेशन है ये सब सेम ही है, बस अगर आप चाहते हो कि किस सब्जेक्ट में कैटेगरी वाइज पोस्टें कितनी हैं उसके लिए आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।